नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, आज हम पटना के गांधी मैदान के पास और यहां पे शहीदे आजम की आज शहादत दिवस मनाई जा रही है, जिसको लेकर आईसा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया है। आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? विकास। माल्यार्पण किया है शहीदे आजम। हाँ। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों साथियों की आज शहादत का दिन है और आज उस शहादत के 91 वर्ष में हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज पंजाब के मशहूर कवि अवतार सिंह संधु उर्फ पास, उनका भी शहादत दिवस है। तो अब समझिए कि जिन दिनों भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, और एक धर्रा जो आज सरकार में भाजपा और RSS है, हिंदू महासभा के जो लोग थे, वो उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, माफ़ीनामा लिख रहे थे, अंग्रेजी सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। दूसरी तरफ जो HSRA, हिंदुस्तान रिसोर्सलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे, जो भगत सिंह के स्पिरिट के लोग थे, वो लोग अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे, और यहाँ तक कि वो शहादत जैसे चीज़ों को चुनने में वो नहीं हिचके। तो आज यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में भी एक सांप्रदायिक और फासीवादी शक्तियों का उभार है। तमाम छात्रों नौजवानों को शिक्षा, रोजगार और समाज में जो सांप्रदायिकता है, इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। भगत सिंह का जो विचारधारा है, जो क्रांतिकारी तेवर है, जो स्पिरिट है, उसको उतारने की ज़रूरत है। तब भगत सिंह पत्रकारिता को लेकर जो नरेशन सेट कर रहे थे कि पत्रकारिता का क्या रोल है, और आज स्थिति देखिए कि 91 साल बाद भी पत्रकारिता का भी वही स्थिति है। पूरे दिल्ली में और नोएडा में बैठे जो हैं, जो पत्रकार नहीं, जॉम्बी हैं, जो सरकार के इशारे पर किस तरह से प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन उसी के समानांतर आप जैसे कई लोग हैं जिस पत्रकारिता में मूलभूत और जरूरी आवाज़ों को आप लोग गोलबंद करते हैं, उठाते हैं। इन तमाम आज के यही संदेश है। तमाम छात्रों नौजवानों से ऐसा अपील भी करता है कि आज ज़रूरत है भगत सिंह के स्पिरिट को, क्रांतिकारी तौर को उतारने की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को बचाने की, और समाज में जो सांप्रदायिकता का जड़ घोला जा रहा है उससे मजबूती से लड़ने की। अपना नाम बताइएगा। मैं आदित्य रंजन, पटना विश्वविद्यालय आयशा छात्र नेता। वीर कुमार सिंह की आज शहादत दिवस है, आप लोगों ने माला अर्पण किया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले शहादत दिवस आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की है, पास की है, वीर कुमार सिंह की नहीं। दूसरी बात कि आप देखिए, हमारे समाज में हमेशा से भगत सिंह जब काम कर रहे थे एक कम्युनिस्ट नेता के तौर पर HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, तो उन्होंने कहा था हम ऐसी आज़ादी चाहते हैं जो पराधीन भारत के अंदर जो खांचे में बटे हुए लोग हैं, चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, पूंजी के आधार पर हो, वो सब स्वतंत्र हो, ना तो पूंजी का कोई भेद हो, ना धर्म का कोई भेद हो, ना जाति का भेद हो। लेकिन आज की सरकार धर्म के साथ साथ पूंजी का भेद बनाए रखना चाहती है। आप देखिए, नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है कि जो गरीब बच्चे हैं उसे लोन लेना होगा। लोन लेने के लिए उन्होंने शर्त रखी है कि 30% रुपया लोन के लिए पहले आपको जमा करना होगा। अब जिसके पास लोन लेना है उसे 30% रुपया नहीं जुटा पा रहे हैं तो वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो अर्थात ये जो पूंजीवादी शक्ति है, ये हमेशा से इस भारत पे हावी रही है, और इसको हटाने की बात भगत सिंह करते हैं, राजगुरु करते हैं, सुखदेव करते हैं। तो ये ज़रूरी है आज के समय में कि हमारे जैसे नौजवान, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नौजवान, गरीब तबके से आने वाले नौजवान, मजदूर वर्ग के बच्चे जो अपनी शिक्षा की लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, वो इस क्रांति में शामिल हो और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जी, मेरा नाम साकेत सूर्या हो और मैं छात्र संगठन आयशा से हूँ। देखिए, बदलते परिवेश में जो है आज के समय पूंजीवादी सोच जो है देश पे हावी होते जा रहा है, और देश की मौजूदा सरकार में भी पूंजीवादी एलिमेंट पूर्ण रूपेण अब घुस चुके हैं। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, ताकि हर गरीब को अपना उनका हक मिल सके और पूर्ण स्वराज स्थापित हो देश में। सभी गरीब, जो जितने गरीब वर्ग हैं, गरीब तबके हैं, धार्मिक जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है देश में, हम चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों की समाप्ति हो, और भगत सिंह जिस तरह के देश का निर्माण करना चाह रहे थे
उस तरह के देश के निर्माण में हम भगत सिंह के सोच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उस तरह का देश बना के रहेंगे, यही हमारा फैसला है। बिल्कुल, देख सकते हैं आईसा के तमाम कार्यकर्ता हैं, माला अर्पण किया है भगत सिंह के प्रतिमा पर। और साफ साफ क्या कुछ कहना था आपने सुना है, आपको हम बता दें तमाम जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो माले अर्पण कर रहे हैं। पिछली बार की बात कर ले तो जो साफ सुथरा नहीं किया गया था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो साफ सुथरा भी किया गया है। तमाम आईसा के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।